हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले इसका एक पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है और उसमें हमने बहुत सारी बेसिक बातें कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या तो आप प्लेलिस्ट से उसको जाके देख सकते हैं। इधर 3-4 वीडियोस मैंने फर्स्ट ईयर की अपलोड की, उसके बाद थोड़ी बीच में गैप हो गया। उसकी वजह यह थी कि मेरा जो सेटअप है वो बन नहीं पा रहा था। अब तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, एक दो चीज़ें रह गई हैं, इसलिए अब क्लास क्या है कंटिन्यू आपको मिल जाएगी, आपको लेक्चर अब मिलते रहेंगे, ठीक है। इधर आप देखते होंगे कि हम लोग साइड में देखते हैं, वो हम देखते हैं कि हमारी वीडियो सही से बन रही है कि नहीं बन रही है, रिकॉर्डिंग सही हो रही है नहीं हो रही है, इसलिए हम लोगों को उधर भी देखना पड़ता है बार बार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, और दूसरा आपका जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल। तो पहले आप ये समझिए कि प्लास्टिक क्या होता है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछता है कभी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि प्लास्टिक है क्या, ठीक है ना। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिक क्या है। तो प्लास्टिक क्या है, तो प्लास्टिक इज ए मटेरियल मेड अप ऑफ ए वाइड है ये, ठीक है ना, ये अवॉइड नहीं है बल्कि क्या है, ए वाइड, ठीक है ना। वाइड होता है जिसको बहुत सारे जब क्रिकेट खेलते होंगे आप भी बचपन में तो सुनते होंगे कहते हैं कि वाइट बॉल, तो वो बहुत सारे बच्चे उसको वाइट बोलते हैं, वाइट बॉल, ठीक है ना। तो वो वाइट नहीं होता बल्कि क्या होता है, वाइड। वाइड मतलब चौड़ा, लंबा, बहुत सारा, ये सारी मीनिंग आती है इसकी, ठीक है ना। तो प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल होता है कि मेड ऑफ या मेड अप ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो प्लास्टिक क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना हुआ है। अब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तो यह हो सकता है कि पूरा सिंथेटिक हो या सेमी सिंथेटिक हो। अब सिंथेटिक क्या है, सिंथेटिक का मतलब एक, अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नेचुरल, यानी हमको हमने उसको पौधों से वैसे ही ले लिया और उसको वैसे ही यूज़ कर लिया। दूसरा होता है कि हम कुछ केमिकल्स वगैरह मिला के लेबोरेटरी के अंदर, अपने लैब के अंदर कोई चीज़ बनाएं, ठीक है ना, वो नेचुरल नहीं है। जो नेचुरल के अगेंस्ट जो चीज़ है समझिए उसको बोलते हैं सिंथेटिक, यानी बनाया हुआ, क्रिएटेड, ठीक है ना, जो इंसानों ने बनाया है, तो वो सिंथेटिक भी हो सकता है। और सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है कि मतलब कुछ तो हमने नेचुरल प्रोडक्ट लिया उसमें कुछ चीज़ों को मिला के या उसमें कुछ हेयर बदल करके, समझ में आ रही बात, उसको बनाया, तो वो होता है सेमी, मतलब होता है आधा, ठीक है ना। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब ये ऑर्गेनिक क्या है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को बार बार परेशान होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये देखिए मैं एक एक टर्म आपको बताता चलूंगा, इससे ना आपको बहुत फायदा होगा और चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ऑर्गेनिक क्या है। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, जिसके अंदर कार्बन मेन कंपोनेंट के तौर पे यूज़ हो रहा हो, और उसके साथ में क्या कहते हैं, और जो क्या कहते हैं कुछ कंपाउंड्स हैं यूज़ होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया या हाइड्रोजन उसके साथ में पाया जा रहा हो या नाइट्रोजन पाया जा रहा हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग कार्बनिक या ऑर्गेनिक, उसको क्या बोलते हैं, या तो ऑर्गेनिक या कार्बनिक कंपाउंड्स। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह, ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऑक्सीजन पाया जाए या क्या कहते हैं हाइड्रोजन पाया जाए या नाइट्रोजन पाया जाए, लेकिन ज़्यादातर कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे उनके साथ में ये कुछ मिलेंगे ऐसे, या जो आप ये भी कह सकते हैं कि हेलोजन जो हैं, जो गैसेज हैं, वो उनके साथ में कहीं ना कहीं मिल के आते हैं, ठीक। यह हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, प्लास्टिक क्या है, ये एक पॉलीमर है, ठीक है ना, किसका, कार्बन का। ये भी कह सकते हैं कि प्लास्टिक क्या है, ये कार्बन के चेन का एक पॉलीमर है, ठीक है ना। यानी बहुत सारे, पॉलीमर का मतलब होता है कि बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ जुड़ के, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो ये ठीक है ना, ये कार्बन आपस में जुड़े तो इसको बोलते हैं पॉलीमर। अब एक पॉलीमर ये हो गया, ऐसे मान लीजिए दूसरा पॉलीमर और जुड़ गया, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है, प्लास्टिक को बनाया जाता है, कार्बन के बहुत सारे पॉलीमर जुड़ जाते हैं आपस में, तो इस तरीके से प्लास्टिक बनता है, ठीक। अब ये कि प्लास्टिक को हम लोग यूज़ करते हैं पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर, तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कुछ उसके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए। तो एक क्या है, प्लास्टिक इज़ इजिली शेप्ड और मोल्ड,
मॉड्यूल नहीं है बल्कि ये मोल्डेड है, ठीक है ना। ये क्या है, मोल्डेड। चूंकि टाइम मेरे पास कम रहता है तो कई बार मैं वॉइस टाइपिंग यूज़ करता हूँ, तो उसकी वजह से ये दिक्कत आती है, ठीक है ना। शुरू में कुछ मैंने वॉइस टाइपिंग किया, मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने हाथ से टाइप किया, मेरी स्पीड इतनी अच्छी है नहीं, इसलिए बहुत सारा टाइम मेरी टाइपिंग में निकल जाता है मेरा। तो प्लास्टिक को ना हम लोग बहुत आसानी से किसी भी शेप में ढाल लेते हैं उसको, उसी को हम लोग मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। मोल्ड कर लेना, किसी चीज़ को ढाल लेना। देखेंगे प्लास्टिक के आइटम्स अलग अलग शेप में रहते हैं, तो वही कह रहे हैं कि अलग अलग शेप में इसको ढालना आसान होता है। बॉटल बनाना है तो बॉटल बना लेते हैं, ढक्कन बनाना, क्लोजर तो वो बना लेते हैं, किसी भी टाइप का कंटेनर उससे बनाया जा सकता है, ठीक। और अलग अलग साइज में अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसको बना लेते हैं, ठीक है ना। और इट इज़ चीप, ये क्या होता है, सस्ता होता है, ठीक है ना। प्लास्टिक क्या है, दूसरे जो क्या कहते हैं मटेरियल्स हैं उनके मुकाबले में सस्ता होता है, ग्लास के मुकाबले में सस्ता है, या क्या कहते हैं जो टिन है मान लीजिए, या जो क्या कहते हैं मेटल्स हैं, तो मेटल्स के मुकाबले में भी क्या है, प्लास्टिक सस्ता होता है, ठीक है। ऐसे क्या है, ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल का मतलब होता है जो टिकाऊ हो, ठीक है ना, लंबे समय तक चलने वाला हो। और क्या कहते हैं, ये जो होता है वो इनफ स्ट्रांग होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी होता है। और ये क्या हैज़ गुड हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंट, और ये हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस भी इसके पास होता है, यानी ये कि ये वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, यानी ये समझिए कि वाटर के साथ में घुलता नहीं है, ठीक है ना। वाटर के साथ में जैसे कि मान लीजिए आयरन है, वाटर के साथ में तो वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाता है उसको, वहाँ से रिएक्शन करने लगता है, उस पर जंग लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये क्या है, इस ये वाटर के साथ में रिएक्शन वगैरह नहीं करता है। और क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक आर केमिकली इनर्ट, और बहुत सारे जो प्लास्टिक हैं, प्लास्टिक की बहुत सारी अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो प्लास्टिक हैं वो क्या है, केमिकली इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब ये होता है कि जो किसी दूसरे के साथ में मतलब रिएक्शन नहीं करता, जहाँ पे उसको अपना चुपचाप बैठा हुआ, बहुत सारे सीधे बच्चे होते हैं ना, उससे बात करना ना उससे बात करना, बस अपना पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही है, इसको मान लीजिए प्लास्टिक है, तो उस कंटेनर में आपने प्लास्टिक के कंटेनर में, प्लास्टिक के बर्तन में, बॉटल में आपने कोई केमिकल रख दिया, या कई सारे केमिकल का एक मिक्सचर रख दिया, तो किसी के साथ में ना ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, उसी को बोलते हैं केमिकली इनर्ट है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी रीजन है, और भी इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेज हैं प्लास्टिक के, इसलिए कॉमनली पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे प्लास्टिक को यूज किया जाता है, ठीक। और ये अब जैसे ना क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो पूछेगा कि प्लास्टिक बताओ कि प्लास्टिक क्या है, या प्लास्टिक बहुत कम पूछता है, पूछेगा कि राइट ए नोट ऑन प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल एंड मेंशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्या प्लास्टिक, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको आना चाहिए प्लास्टिक के। तो यहाँ पे हमने कुछ लिख रखे हैं, और बहुत सारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप अपने तरफ से बना भी सकते हैं, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपनी तरफ से आप बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ दे रखे हैं। तो सबसे पहला क्या है, इसका ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी, यानी ये समझिए कि ये क्या है, ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल का मतलब लंबे समय तक चलता है, टिकाऊ होता है, ठीक है ना। प्लास्टिक कंटेनर्स आर ड्यूरेबल विच आर नॉट ब्रोकन एंड पंक्चर्ड ईजिली, ये क्या है, टिकाऊ होते हैं। प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं ड्यूरेबल, यानी लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, कि ये आसानी से टूटते नहीं हैं और पंचर नहीं होते हैं। पंचर होने का मतलब उसमें आसानी से बहुत जल्दी सुराख नहीं हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, स्ट्रांग होते हैं ये, ऐसे ही। हाँ एक चीज़ और बता दूं, एग्जाम में आए ना तो ये नहीं कि एक पैराग्राफ पूरा वैसे लिख दिया, नहीं, ऐसे पॉइंट डाल डाल के लिखेंगे ना, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, अच्छे मार्क्स आप ऑप्टेन कर पाएंगे। अब रात के जानते हैं कितने बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के तकरीबन 10:30 हो चुका है, पूरा हमारा मोहल्ला बल्कि पूरा गांव सो चुका है इस वक्त, मैं अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और पूरा दिन का थका रहता हूँ, तो फिर जबान भी मेरी सही से चलती नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे कई जगह में आगे पीछे थोड़ी मेरी जबान होती है। तो इसकी एक वजह यह भी है कि रात में दिमाग तो पूरा थक चुका होता है वैसे ही, लेकिन इसी टाइम पे हम लोगों को सन्नाटा मिलता है, तो इस टाइम पढ़ाते हैं, ठीक है, लाइट भी मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है काफी ज्यादा, कि इसको आसानी से मतलब क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, यानी इसमें चीज़ों को रख के लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सी चोट भी लग जा रही है, धक्का मुक्की हो जा रहा है, कहीं गिर जा रहा है, तो टूटता नहीं है आसानी से, ठीक है ना। हैंडलिंग करने में आसानी होती है, इसको यहाँ रखना उधर रखना, उठाना देना फेंकना सब में आसानी रहती है। ऐसे ही क्या, इसके अंदर बैरियर प्रॉपर्टी होती है। बैरियर प्रॉपर्टी का, बैरियर का मतलब होता है रोकना, ठीक है ना। तो ये क्या है, दे हैव ए गुड मॉइस्चर एंड गैस बैरियर प्रॉपर्टीज, बैरियर की जगह
पे आप रेजिस्टेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, बैरियर की जगह पे रेजिस्टेंस, आपने कई जगह पढ़ा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अभी और कई बार आएगा भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ भी गया देखिए, जैसे रेजिस्टेंस, तो बैरियर का मतलब भी रेजिस्टेंस ही है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का मतलब भी रुकावट और बैरियर का मतलब भी रुकावट होता है। एक टॉपिक एक छूट गया था, शेप एंड साइज, ठीक है ना, शेप्स एंड साइज। इसका एक एडवांटेज क्या है कि दे आर मोल्डेड इन डिजायर्ड शेप्स एंड साइज इजीली। इनको अपने डिजायर्ड शेप में, यानी जैसा आप चाह रहे हैं वैसे शेप में इनको बड़ी आसानी से आप क्या करते हैं, मोल्ड कर लेते हैं, उसको उस शेप में ढाल लेते हैं, ठीक। और क्या बैरियर प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, यानी कि ये रेजिस्टेंट होता है। मान लीजिए ये एक प्लास्टिक का कंटेनर है, ठीक, तो ये क्या है, बैरियर है। बैरियर का मतलब क्या है कि बाहर का जो भी मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो अंदर नहीं आने देगा उनको, जैसा कि ग्लास होता था, ऐसे ही मॉइस्चर है, बाहर की नमी है, उसको नहीं अंदर आने देगा, एयर को नहीं अंदर आने देता है, ठीक है ना। तो यही कह रहे हैं कि ये क्या बैरियर प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसको मैं पढ़ाऊंगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सोशल फार्मेसी, उसमें है ये टॉपिक, ठीक है ना। और क्या इसका एक खास क्या बात है, क्यों इसको हम लोग यूज करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, तो लाइट इन वेट होता है ये, यानी ये हल्का होता है। ये क्या है, ग्लास के मुकाबले में, मेटल्स के मुकाबले में, रबर के मुकाबले में क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है ना। ये इनवाइट नहीं है, ये इन वेट है, ठीक है ना, ये इन वेट, ये वेट में हल्का होता है, ठीक है। किसमें होता है हल्का, वेट में हल्का होता है, इसलिए इसको आसानी से हम लोग हैंडल कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ऐसे ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव या इकोनॉमिकल का मतलब ये है कि ये सस्ता होता है, ये पूरे का मतलब है। कॉस्ट इफेक्टिव देख के घबराना नहीं है, इकोनॉमिकल का मतलब जो मतलब सस्ता हो, आसानी से लोग उसको यूज कर सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो प्लास्टिक आर चीप चीपर, प्लास्टिक क्या है, दूसरे जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा क्या सस्ते होते हैं। आपने अगर थोड़ा बहुत भी ट्रांसलेशन पढ़ा होगा तो ये वाली ट्रिक तो आती होगी, यानी ये वाला जो क्या कहते हैं तरीका है कि किसी चीज़ को किसी दूसरे के मुकाबले में कंपेयर करते हैं, जैसे कि मैं तुम्हारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हूँ, समझ में आ रही बात, या ये जो सामान है ये उस सामान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो उसमें ER लगा के बनाते हैं, ठीक है ना, ये चीपर हो गया। और कई सारी जगहों पे ज़रूरी नहीं कि हर जगह ER ही लगता है, बल्कि कहीं पे मोस्ट लग जाता है, कहीं पे मोर लग जाता है, तो अलग अलग तरीके से बनते हैं, लेकिन ये कॉमन फॉर्मूला होता है इसका कि ER लगा के बना देते हैं। ठीक है, अब मैं इंग्लिश पढ़ाने लगा आपको, हालांकि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, चूंकि एज ए टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं आपको अच्छी बातें बताऊं। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करिए। सिर्फ चीज़ों को कितना रटेंगे आप, कितना रटेंगे, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत हाई लेवल पे हो, लेकिन इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, आप जब फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, कि आप जो ये क्या कहते हैं जो समझ रहे हैं उसको ना खुद से आप ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश में। आपको हिंदी समझ में आ रही है, आपको बातें समझ में आ रही है कि हाँ ये सस्ता होता है, ये ग्लास के मुकाबले में सस्ता होता है, ये ड्यूरेबल होता है, ये स्ट्रांग होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप इसको ना एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। इतनी इंग्लिश आपको ज़रूर आनी चाहिए, और नहीं आती है अगर तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप बहुत आसानी से हिंदी की वाले जो ट्रांसलेशन की बुक हैं, जैसे कि लूसेंट की आती है, या क्या कहते हैं ऑक्सफोर्ड की आती है, जो 10th स्टैंडर्ड की है ट्रांसलेशन वाली बुक, उसको लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए। 1 से 1.5 साल पढ़िए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, मतलब इस लेवल पे आ जाएंगे आप, अगर मतलब ध्यान से तवज्जो से पढ़ रहे हैं कि आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगर आपको वो किताब, वो जो बुक है वो चाहिए, तो आप, मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में, या आप खुद जाके प्ले उससे क्या कहते हैं अमेजन से या फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी, या आप लोकली जाके मतलब दुकान से भी ले सकते हैं, किताबों की दुकान पे अवेलेबल है, बहुत आसानी से मिल जाती हैं किताबें। ऐसे ही क्या है, इसकी एक खूबी क्या है, केमिकल रेजिस्टेंट होता है ये, ठीक है ना, केमिकली रेजिस्टेंस होता है, यानी प्लास्टिक आर जनरली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, केमिकल इन्ग्रीडियंट्स, सो दे मेडिसिन। यहाँ पे कुछ छूट रहा है, वो क्या है, मेंटेन, सो दे
टेन ठीक है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं मेडिसिन की एफिकेसी को, ठीक है ना। केमिकली ये क्या है, रेजिस्टेंट होते हैं, यानी केमिकल के साथ में या केमिकल इंग्रेडिएंट, जो दवाओं के केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ में ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये दवा की एफिकेसी को मेंटेन करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, ठीक है ना। एफिकेसी का मतलब ये कि दवा करने की, दवा कोई भी है उसको, मतलब वो जो हम दवा खाते हैं तो उसका एक एक्शन आता है हमारी बॉडी पे, तो वो कितने पावर में हम दवा खा रहे हैं उसका एक मतलब, जैसे कि मान लीजिए पैरासीटामोल है, 500 mg की दवा है, तो उसका एक इफेक्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसके दवाओं के साथ में कोई चीज़ रिएक्शन कर जाए और उसका इफेक्ट घटा दे तो कहेंगे उसकी एफिकेसी कम हो गई है। समझ में आ रही बात? तो ये समझिए कि जो उसका पावर है वो कम हो जाए तो कहेंगे उसकी एफिकेसी कम हो गई, और पावर उसका अगर बढ़ जा रहा है तो कहेंगे एफिकेसी उसकी ज़्यादा हो रही है। ऐसे क्या है, मैन्युफैक्चर एंड रिसाइकल एबिलिटी। ऐसे ही क्या है, प्लास्टिक के अंदर यह है कि उसको आसानी से हम लोग मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं और उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, दोबारा से उसको बना सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही क्या है, जो प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं या प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं उस पर लेबलिंग करना बहुत आसान होता है। लेबलिंग करने का मतलब होता है कि आपने देखा होगा जो कंटेनर्स होते हैं, ठीक है ना, सिरप का बॉटल ये समझ लीजिए एक, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो वो जो लिखी हुई चीज़ें उसी को हम बोलते हैं लेबलिंग करना, यानी चीज़ों को उसके ऊपर लिख देना, प्रिंट कर देना, उसको बोलते हैं लेबलिंग करना। और इसका फ़ायदा क्या है, ट्रांसपेरेंसी। जो प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं तो बहुत सारे बॉटल ऐसे आते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, हालांकि ग्लास के मुकाबले में तो ये कम ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी ये भी क्या है, ट्रांसपेरेंट होते हैं और चीज़ों को आप बाहर से देख सकते हैं कि अंदर कौन सी चीज़ रखी हुई है, किस कलर की चीज़ रखी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये भी इसका एक फ़ायदा होता है, इससे आप ये पता लगा पाते हैं कि अंदर की जो चीज़ है वो क्या है, किसी हद तक अंदाज़ा आप लगा लेते हैं। अब इसने इतने सारे इसके फायदे हो गए, तो ऐसा नहीं है कि इसके कुछ नुकसान नहीं होंगे, डिसएडवांटेज भी हैं इसके कुछ, ठीक है ना। इसके क्या हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या डिसएडवांटेज हैं इनके। पहला क्या है, केमिकल इंटरेक्शंस। केमिकल इंटरेक्शन का मतलब, इंटरेक्शन क्या होता है, केमिकल तो आप जानते ही हैं, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपस में, आपने सुना होगा कि टकरा जाना, चीज़ें क्या होती हैं आपस में टकरा गई, बोलते हैं ना कि उन्होंने ऐसी दवाएं खाई कि वो टकरा गई और क्या हुआ, उसको बहुत नुकसान हुआ। तो इंटरेक्शन में क्या क्या होता है, जब कोई दवा आपस में क्या कहते हैं इंटरेक्ट हो जाती हैं, तो या तो दवा का असर बढ़ जाता है या दवा का असर घट जाता है। ये आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर, एक पूरा चैप्टर है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे कम से कम 50 मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे वो एग्जाम्पल्स। मैंने एग्जाम पढ़ाए तो 3-4 ही होंगे, लेकिन वो लिख के आपको लिखित फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में मिल जाएंगे 500 एग्जाम्पल्स उसके, ठीक है ना। तो दवा इंटरेक्शन क्या होता है, जब दवाएं आपस में, मान लीजिए कुछ दवाओं का इंटरेक्शन हो गया, तो दवा का इफेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा या तो घट जाता है। अगर बढ़ गया तो आदमी को नुकसान पहुँच जाता है उससे, ठीक है ना। तो एक डिसएडवांटेज क्या है कि समटाइम्स सर्टेन इंग्रेडिएंट्स कैन इंटरेक्ट विद प्लास्टिक। कई मरतबा ऐसा होता है कि जो दवा है उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है ना, वो प्लास्टिक के साथ में क्या है, रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है ना, और फिर उसकी वजह से इम्प्योरिटी हो जाती है, यानी दवा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ आके मिल गई जो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी। ये आपने पढ़ा होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही इम्प्योरिटी का के बारे में है पूरा, ठीक है ना। तो इम्प्योरिटी का मतलब ये होता है कि हम जो चाह रहे हैं कि दवा के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ अनवांटेड चीज़ें जो हम नहीं चाह रहे वो अगर उसके अंदर मिल जाए उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी, ठीक है ना। तो फिर उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी हो जाएगी, ठीक। ऐसे क्या है, शॉर्ट लाइफ। जो ये क्या कहते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, इनकी लाइफ क्या है, थोड़ी कम होती है ग्लास के मुकाबले में। कैसे, कि ग्लास को ना आप कितने भी दिन रख दो तो ऐसा नहीं होगा कि वो धूप, गर्मी, हवा और मॉइस्चर की वजह से ख़राब हो रहा हो, लेकिन प्लास्टिक के अंदर ये चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो ना धीरे धीरे उनकी जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होने लगती है, वो डिग्रेड होने लगते हैं, समझ रहे हैं ना। एक अलग बात है कि वो सड़ते नहीं हैं, जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक के पॉलीथीन, बहुत जल्दी वो नहीं सड़ते हैं, लेकिन फिर भी प्लास्टिक के अंदर ये चीज़ें हैं, आप उसको धूप में रखें तो वो क्या है, ख़राब होने लगता है। आपकी पानी की टंकी होती है छत के ऊपर, आप देखते हैं उसका ढक्कन क्या है, 5-4 5 सालों के बाद टूट जाता है। तो कैसे टूट जाता है, कोई तोड़ता नहीं है, लेकिन वो क्या है, धूप, गर्मी, इन सब चीज़ों की वजह से वो क्या है, कमज़ोर होने लगता है। वही इसके अंदर बताया जा रहा है कि उनकी लाइफ क्या है, थोड़ी शॉर्ट होती है, ठीक है ना, ग्लास के मुकाबले में। दे कैन बी डिग्रेडेड, वो डिग्रेड हो जाते हैं, और पासिंग टाइम, टाइम के गुजरते
के साथ में, ठीक है ना। टाइम जैसे जैसे बढ़ता रहता, गुजरता रहता है, उसके साथ में उनकी लाइफ भी क्या होती है, कम होती रहती है। इसको ये भी कह सकते हैं कि विद द पासेज ऑफ टाइम, विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के धीरे धीरे आगे बढ़ने की वजह से या टाइम के गुजरने के साथ साथ। एज एक एक इसके अंदर क्या डिसएडवांटेज है, स्टेरिलाइजेशन। मैनी ऑफ प्लास्टिक आर नॉट एबल टू अंडरगो, अंडरगो का मतलब होता है बियर, बियर मतलब बर्दाश्त करना, अंडरगो का मतलब भी बर्दाश्त करना। तो कह रहे बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे हैं जो क्या हैं, स्टेलाइजेशन प्रोसेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। स्टेलाइजेशन प्रोसेस हो सकता है कई बार पीछे आ चुका हो। इसका मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग दवा बनाते हैं, मान लीजिए पेरेंटल दवाएं जो बनाते हैं, खास तौर से जब उसको पैक करना रहता है, किसी कंटेनर के अंदर रखना रहता है, तो जिस बर्तन के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर उसको रख रहे हैं, उसको हम लोग स्टेराइल करते हैं। स्टेराइल करने का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको साफ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाते हैं। उसका एक तरीका होता है कि हीट देते हैं, क्या करते हैं, हीट देते हैं इस लेवल तक, इस टेम्परेचर तक कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो बहुत सारे प्लास्टिक होते हैं, आपने भी देखा होगा कि उसको थोड़ी सी भी हीट दें तो वो पिघलने लग जाते हैं, तो ये एक इसकी कमी होती है। जबकि क्या है, ग्लास में इतना जल्दी आसानी से ग्लास पिघलता नहीं है। ऐसे क्या, लीचिंग ऑफ एडिटिव्स। लीचिंग का मतलब पहले बता दूं मैं कि जैसे कि मान लीजिए ये प्लास्टिक का ये पेन है, तो इसके जो टुकड़े छोटे छोटे, इसके मान लीजिए कई सारे केमिकल से मिलके बना है, तो कोई भी एक इंग्रेडिएंट उसका टूटे और जिसके अंदर इसको रखा गया उसके अंदर घुलने लगे, तो उसको बोलते हैं लीचिंग, ठीक है ना। तो जो प्लास्टिक के एडिटिव्स हैं, एडिटिव्स मतलब प्लास्टिक बनाने के लिए जो चीज़ें केमिकल्स यूज हुए हैं, वो सब क्या हैं, एडिटिव्स हैं उसके। तो प्लास्टिक के एडिटिव्स क्या हैं, लीच कर सकते हैं। लीच के मतलब उसके पार्टिकल्स टूट टूट के, और मान लीजिए कोई सिरप का बॉटल है, ठीक है, उसके अंदर उसमें रखा हुआ है प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर, ठीक है, प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर हमने सिरप रखा है, तो उस कंटेनर में से प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट के उस सिरप के अंदर डिजोल्व हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कि लीचिंग हो रही है उसमें, ठीक है ना। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। वैसे तो आप देखेंगे प्लास्टिक ना, बहुत सारे तरह के प्लास्टिक है, 200 तरह के प्लास्टिक आपको मिल जाएंगे अलग अलग, तो सबको आप पढ़ नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। तो कम से कम 5-6 जो मेन मेन प्लास्टिक हैं, जो पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर यूज होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत आप 5-7 याद कर लीजिए, ताकि अगर कभी पूछ ले कि प्लास्टिक के ऊपर आप एक नोट लिखिए, तो आप इसको उसके अंदर मेंशन कर पाए, ठीक है। तो एक एक क्या है, प्लास्टिक की एक टाइप है पीई, जिसको बोलते हैं पॉलीथाइलीन या पॉलीथिलीन, ठीक है ना, पॉलीथिलीन या पॉलीथाइलीन भी बोलते हैं, किताबों में बहुत सारे में पॉलीथाइलीन भी लिखा हुआ है। तो एक पहली जो टाइप हो गया पॉलीथिलीन है, और ये क्या है, डिफरेंट अलग अलग टाइप में ये और भी पाई जाती है पॉलीथिलीन, कई टाइप में, 3 मेन इसके टाइप्स हैं, और वो उसके मतलब मजबूती के हिसाब से उसको अलग अलग किया गया है। तो एक है हाई डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी का मतलब होता है घना, यानी ये कि इसके अंदर जो प्लास्टिक के पॉलीमर्स हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, वो बहुत डेंस हैं, वो बहुत घने हैं, ठीक है। तो हाई डेंसिटी एक टाइप हो गया इसका पॉलीथिलीन का, दूसरा मीडियम डेंसिटी, और तीसरा है लो डेंसिटी, ठीक है ना। अब जो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन है, इट नहीं है, इसको इज कर लीजिए, ठीक है ना। जो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन है वो क्या है, इज मोर स्ट्रॉन्ग, मोर हीट रेजिस्टेंट देन मीडियम एंड लो डेंसिटी पॉलीथिलीन। 3 तरह के पॉलीथिलीन है, तो इनमें से जो क्या कहते हैं हाई वाला, हाई डेंसिटी वाला है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हीट को रेजिस्टेंट करने वाला, रोकने वाला है, ठीक है ना, दूसरे जो प्लास्टिक है उनके मुकाबले में। ऐसे क्या है, इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द केमिकल्स एंड सॉल्वेंट। ऐसे जो हाई डेंसिटी वाला पॉलीथिलीन है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट, हाईली रेजिस्टेंट है बहुत सारे केमिकल्स के लिए, मोस्ट ऑफ द केमिकल्स, ठीक है ना। बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, या समझिए कि मतलब ज़्यादातर जो सॉल्वेंट्स हैं, सॉल्वेंट मतलब ये कि जिसके अंदर चीज़ों को घोला जाता है, वो कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है ना। तो जितनी भी लिक्विड चीज़ें, उन सब के लिए क्या है, वो हाईली रेजिस्टेंट होता है, यानी उनके साथ में रिएक्शन नहीं करता है। ऐसे क्या है, इट इज़ commonly used to make containers। और ये वाला जो polyethylene है, high density polyethylene है, यही आम तौर से यूज होता है कंटेनर्स बनाने के लिए, बॉटल्स बनाने के लिए, जार बनाने के लिए, ठीक है ना, जार बनाने के लिए, ऐसे फिल्म्स बनाने के लिए यूज होता है, ऐसे क्लोजर यानी ढक्कन बनाने के लिए यूज होता है। अब पूछेंगे फिल्म बनते हैं प्लास्टिक से,
प्लास्टिक से फिल्म बनते हैं, तो ये वो वाली फिल्म नहीं है जो आप 2 घंटे 2.5 घंटे देखते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए मूवीज़ वगैरह देखने में। वो लोग तो बना देते हैं पैसा कमाने के लिए, और आप हम मैं तो बहुत कम देखता हूँ रियली, बहुत थोड़ी सी मूवीज़ देखी मैंने, नहीं देखना चाहिए। अब छोड़ दिया मैंने, मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो नहीं देखना चाहिए, इसलिए कि टाइम बहुत सारा वेस्ट होता है, और मोबाइल में देख रहे हैं तो आपकी आंखें भी ख़राब हो रही हैं, ठीक है ना। तो बचना चाहिए इनसे, अपने अपने टारगेट पे, अपने मिशन पे, अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। वही 2 घंटे अगर आप इसमें दो, मान लो हर 2 महीने में 1 महीने में तो मूवीज़ आती रहती हैं। बहुत सारों को ऐसी लत होती है कि रोज़ एक मूवी देख रहे हैं, रोज़ 2.5 घंटा अपना वेस्ट कर रहे हैं, वो अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अपना टाइम बचाइए, लेकिन टाइम आपका, मर्जी आपकी, मोबाइल आपका, पैसा आपका, फ्यूचर आपका। आप चाहें तो अपने आप को बना लें, अपने ऊपर लगा लें, या मूवीज़ देख के उनको मालदार बना दें जो लोग मूवी बनाते हैं। तो फिल्म का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी दवाएं होती हैं तो उसके ऊपर ना प्लास्टिक की एक पतली झिल्ली चढ़ी रहती है, टेबलेट है, बहुत कड़वा है, ठीक है ना। अब इसको आदमी खाएगा उल्टी हो जाएगी, तो क्या करते हैं कई बार, तो इसके अंदर मान लीजिए स्वीटिंग एजेंट मिला दिया, ठीक है ना। तो लेकिन स्वीटिंग फ्लेवरिंग एजेंट कुछ भी नहीं मिलाया, तो इसके ऊपर ना एक पतली सी झिल्ली लगा देते हैं प्लास्टिक की, बहुत पतली सी, समझ रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं। लेकिन अब जरूरी नहीं कि इस पॉलीथिलीन की ही, मतलब ये जो पॉलीथिलीन है इसका जो फिल्म है उसको, मतलब क्या कहते हैं, टेबलेट पे लगाया जाए, ये जरूरी नहीं है। वो अलग टाइप की एक, मतलब कोई मटेरियल होता है, जिलेटिन टाइप का या दूसरी कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसकी फिल्म बना के इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। प्लास्टिक चूंकि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ये जो ना बेंच मार्क का जो ये क्या कहते हैं बोर्ड, इसमें बड़ी दिक्कत है। मैं अगर कोई खरीदे इसको, बाय करे, तो मैं कहूँगा बेंच मार्क का ना खरीदना, ये बहुत दिक्कत क्रिएट करता है। अब देखिए मैं इसको ऊपर करता हूँ तो ये जो लिखा हुआ है ये सब ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये वहीं पे रुका रहता है, ये ऊपर जाता नहीं है, बहुत दिमाग खराब करता है ये। दूसरा जो टाइप है वो है पॉलीप्रोपाइलीन या पॉलीप्रोपिलीन, लेकिन पाइलीन आप पढ़िए, ठीक है ना, पॉलीप्रोपाइलीन। ये दूसरी टाइप की प्लास्टिक है। इट हैज़ द सेम केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट एज पॉलीथिलीन। अभी आपने पहला पढ़ा पॉलीथिलीन के बारे में, तो कह रहे हैं कि जैसा केमिकल रेजिस्टेंट उसके अंदर होता है या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट उसके अंदर होता है, ऐसे ही इसके अंदर होता है। बट इट डज नॉट क्रैक ऑन स्ट्रेस लाइक पॉलीथिलीन। लेकिन ये कह रहे हैं इसके अंदर ना पॉलीथिलीन जो आपने पढ़ा है उसके मुकाबले में इसके अंदर एक क्वालिटी और भी है, वो ये है कि वो वाला जो है उसको अगर हम लोग स्ट्रेस में लाते हैं, यानी उसके अगर उसके ऊपर हम प्रेशर डालते हैं तो वो क्रैक भी हो सकता है। क्रैक मतलब ये कि मान लीजिए ये है, क्रैक हो गया यहाँ से थोड़ा सा फट गया, लेकिन ये कह रहे हैं उसके मुकाबले में ये मजबूत है कि ये क्रैक नहीं होता है स्ट्रेस में, यानी प्रेशर देने पे क्रैक नहीं होता है, ठीक है ना। और क्या है, एसिड बेस एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उसको इसके अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जो ये दूसरे टाइप की प्लास्टिक है। तीसरी जो प्लास्टिक है ये भी बहुत फेमस है, और बहुत सारे जो वायर वगैरह बनते हैं, बहुत सारे पाइप बनते हैं पानी वाले, या क्या कहते हैं ये वायरिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस वाले प्लास्टिक की बनती है, जिसको बोलते हैं पीवीसी। क्या बोलते हैं, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, उसको बताइए। एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, सब्सक्राइब एसआर फार्मेसी। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोज़ को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि आपके जो दूसरे दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है ना। तो पॉलीविनाइल, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये एक तरीके का क्या है, प्लास्टिक है। दिस प्लास्टिक मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर फिल्म फॉर्मेशन। तो ये जो प्लास्टिक है ये बहुत, मतलब कॉमनली यूज होता है फिल्म बनाने के लिए, ठीक है ना। फिल्म आप समझ चुके हैं फिल्म क्या है। दूसरा क्या है, इट इज़ यूज टू पैक सिंगल यूनिट डोजेज ऑफ मेडिसिन। जो सिंगल यूनिट डोजेस फॉर्म वाली मेडिसिन होती है उसको पैक करने के लिए इसको यूज़ होता है, इन ब्लिस्टर पैक्स। किसमें, ब्लिस्टर पैक्स में। इसका एग्जांपल आप सीधा सीधा समझ लीजिए, जैसे कि पैरासीटामोल है, ठीक है ना, या कैल्शियम की गोलियां आती हैं, या और भी बहुत सारी दवाएं आती हैं, देखते हैं नीले पीले हरे पत्ते वाली, ठीक है ना।
तो वो सब क्या होती हैं, वो ब्लिस्टर में पैक होती हैं और सिंगल यूनिट डोज होती हैं। सिंगल यूनिट डोज का मतलब एक निकाला खा लिया, वो सिंगल यूनिट डोज होता है। एक निकाला सुबह में खा लिया, एक निकाला दोपहर में खा लिया, तो वो सिंगल यूनिट डोज है। एक होता है सिरप कि उसमें निकाल रहे हैं, नाप रहे हैं यार कितना 10 ml लेना है, 5 ml लेना है, तो वो सिंगल यूनिट डोज नहीं है। लेकिन ये क्या है, एक निकाला खा लिया। तो ये जो इस टाइप की जो दवाएं होती है, चाहे कैप्सूल हो टेबलेट हो, उसको बोलते हैं सिंगल यूनिट डोज, ठीक है ना। तो उसको पैक करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ऐसे ही क्या कहते हैं, जो IV बैग्स होते हैं उसको पैक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ना, बॉटल चढ़ाते हैं उसी को बोलते हैं IV बैग्स, ठीक है ना। जिसमें क्या कहते हैं, सेलाइन होता है, नॉर्मल सेलाइन होता है, NS होता है, DNS होता है, D5 होता है, D10 होता है, और भी बहुत सारे मैनिटॉल होते हैं, पैरासिटामोल आते हैं, जो उसके अंदर पैक करके आते हैं, ठीक है ना। तो IV बैग्स हो गए। ऐसे क्या है, ये 4 है, 4 ब्लड बैग्स। आपने देखा होगा कि ब्लड भी आता है पैक करके, ठीक है ना। तो आप अगर हॉस्पिटल में जाएंगे कभी देखेंगे तो वो भी प्लास्टिक का होता है, वो भी किसका होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। ऐसे क्या है, ट्यूबिंग जो होती है बॉटल को चढ़ाने के लिए, जो ट्यूब होता है पतला सा, जिसके रास्ते से वो क्या कहते हैं, जो फ्लूइड है वो जाता है, तो उस वो जो ट्यूब होता है वो भी किसका बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, ठीक। एक चौथा टाइप का प्लास्टिक है, वो है पॉलीस्टाइरीन या पॉलीस्टीरीन, ठीक है ना, पॉलीस्टाइरीन या पॉलीस्टीरीन। अब मैं थक चुका हूँ, बोलने को मन नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट इन यूज एज फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल। तो ये वाला जो है, जो चौथे टाइप का पॉलीस्टीरीन है, ये आजकल पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक। ऐसे पांचवा क्या है, पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट इट हैज़ गुड रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड हैज़ स्टेबिलिटी टू हीट। तो ये भी क्या है, गुड रेजिस्टेंट है, यानी अच्छी क्वालिटी का है, तो इसको भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और क्या, इसकी स्टेबिलिटी भी होती है, यानी स्टेलाइजेशन वगैरह को, ये हीट को बर्दाश्त कर लेता है। इट इज़ यूज टू मेक फिल्टर मेम्ब्रेन। फिल्टर मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, और फिल्टर का मतलब ये होता है जो किसी चीज़ को फिल्टर करे छानने के लिए, ठीक है ना। तो इसको फिल्टर मेम्ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या है, जो बॉटल्स रीयूज होते हैं, तो ऐसे बॉटलों को बनाने के लिए भी इसको पॉलीकार्बोनेट को यूज़ किया जाता है। और छठा एक टाइप है, साइक्लिक ओलेफिन कोपॉलीमर्स, ठीक है ना। तो ये 5-6 हो गए। इट इज़ यूज फॉर ब्लिस्टर पैकेजिंग। तो इसको भी क्या है, ब्लिस्टर पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एज ए पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है ना। उसके बाद फिर तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, फिर चौथा कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू करूंगा, ठीक है ना। 4 चैप्टर हो जाएंगे आपके, तो इसमें आपके 2 सेशनल निकल जाएंगे, फिर 3 या 4 चैप्टर बचेंगे, इसमें 7 ही चैप्टर हैं शायद। फिर उसके बाद दूसरी बार जब इसका नंबर आएगा तो पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो अगर आपको ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर वाकई आप दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं और मुझे सपोर्ट भी करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन के बटन के थ्रू जाके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत छोटा सा अमाउंट मैंने रखा है, 29 रुपीज़ है, इससे थोड़ा सा और बढ़ के है, समझ रहे हैं। तो अगर आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं इस तरीके से हमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।